एक किलो चीनी के कितने पैसे लगते हैं। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं किसी चीज की क्या कीमत है या कोई चीज कितने रुपये में मिलती है। जैसे कई बार आप ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जहां कोई कहता है एक किलो आलू कैसे दिए या चावल कैसे दिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप किसी इंसान से किसी चीज का प्राइस पूछते हैं कि कोई चीज कितने रुपये में मिलता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। यानी आप कहेंगे हाउ मच डज इट कॉस्ट टू कैसे। आइए इस बात को एग्जाम्पल में डिटेल से समझें। अगर आपको कहना हो कि एक किलो आलू के कितने पैसे लगते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बाय 1 kg पोटैटो। अगर आपको कहना हो कि 1 किलो चीनी कैसे दिए या 1 किलो चीनी के कितने पैसे लगते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बाय 1 kg सुगर। चावल कैसे दिए या 1 किलो चावल के कितने पैसे होते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बाय 1 kg राइस। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने में कितने पैसे लगते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हाउ मच डज इट कॉस्ट टू डू इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यानी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने में कितने पैसे लगते हैं। इसे मुरम्मत करने में कितने पैसे लगते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हाउ मच डज इट कॉस्ट टू रिपेयर दिस। एक नया बिल्डिंग खरीदने में कितने पैसे लगते हैं, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बाय अ न्यू बिल्डिंग। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि जब कभी भी आपको अपनी लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहें किसी चीज की कीमत क्या है या कोई चीज कितने रुपये में बिक रहा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर 2 sentences कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सिर्फ 2 sentences कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।